रेलवे स्टेशन जयपुर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से औचक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान ट्रेनों में बैठे यात्रियों के बैगों की जांच पड़ताल की गई। डॉग स्क्वाड टीम की मदद से स्टेशन के चप्पे चप्पे को खंगाला गया। ट्रेनों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए स्टेशन पर पार्सल गोदाम की भी चेकिंग की गई। इस सर्च ऑपरेशन में कुलियों की पहचान के लिए विशेष जांच पड़ताल की गई। लोकसभा चुनाव के चलते मादक पदार्थों की तस्करी भी इस दौरान ज्यादा बढ़ गई है। हवाला कारोबार के चलते भी लाखों करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोटा में 1,70,00,000 रुपए की लूट ट्रेन में हो चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पर आगामी कुछ दिनों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। डेफिनेटली उनकी भी चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है जीआरपी के द्वारा, और एक स्पेशली जो नया अभियान चलाया जा रहा है वो है इनकी वेरिफिकेशन को लेके। जो भी स्टेशंस पर इस तरह के चाहे वेंडर्स हों, स्टॉल्स लगाने वाले हों, कूली हों, तो जो भी इस तरह के परमानेंट या अस्थाई रूप से यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन अभी करवाना कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि जो भी पर्सन होता है उसका आईडी और उसकी सारी जानकारी जीआरपी थाने के पास में हो, ताकि कोई भी गतिविधि हो तो उसमें उनका सहयोग लिया जा सके। डेफिनेटली लगातार जन सहभागिता शिविर और सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग जीआरपी के द्वारा ली जाती है, और साथ ही साथ जागरूकता के लिए भी लोगों में, ताकि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जीआरपी उस पर त्वरित कार्रवाई कर सके, तो उसके लिए हमेशा हेल्पलाइन और सारी चीज़ें पुख्ता रहती है। इसके अलावा लगातार रात्रि गश्त भी हमारे द्वारा बढ़ाई गई है, जिससे कि रात्रि में जो इस तरह की घटनाएं हो जाती है और जो अनदेखी हो जाती है, नज़रअंदाज हो जाती है, उसके लिए कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि सभी स्टेशन पर सीसीटीवी लगवा